नमस्कार साथियों, आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ गुजरात के विपक्ष के नेता परेश धनानी जी यहाँ पर उपस्थित है। 2014 के चुनाव में और उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर वक्त गुजरात की बात होती थी और गुजरात के विकास के मॉडल के बारे में चर्चा होती थी। 2014 के चुनाव में गुजरात की ही चर्चा उस वक्त के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात की बात हर वक्त की। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये नारा प्रधानमंत्री जी का था। मैं चौकीदार हूँ और मैं किसी को भी गलत कुछ करने नहीं दूंगा, ये बात उनकी लोकसभा इलेक्शन में थी और बाद में के भी जितने इलेक्शंस थे उनमें ये बात उन्होंने हर वक्त उठाई। आज हम गुजरात के एक ऐसे मामले को आपके सामने लेकर आए हैं। गुजरात में विधानसभा के चुनाव पिछले साल हुए और उस वक्त मतदाता को लुभाने के लिए मूंगफली की दामों की घोषणा की गई। चुनाव के पहले एक अलग भाव थे, चुनाव के पहले 550 रुपये का भाव था, चुनाव के समय 900 रुपये का भाव उन्होंने किया और चुनाव के बाद, चुनाव जैसे ही ख़त्म हो गए, 550 रुपये से उन्होंने मूंगफली खरीदी। सिर्फ चुनाव के दौरान ही 900 रुपये का भाव उन्होंने रखा था और जो तथ्य पिछले 5-6 महीने में सामने आए हैं उससे 4000 करोड़ का ये मूंगफली का घोटाला सामने आया है। और पिछले 7-8 दिन से हमारे विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एजिटेशन में लगी है और इसलिए आनंद फानंद में कल भी राज्य सरकार को कुछ घोषणाएं करनी पड़ी और आने वाले समय में इसको पूरी तरह से इसका पोल खोलने की दिशा में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से लगी है। और पिछले 7-8 दिन से इस एजिटेशन की जिम्मेदारी और इस एजिटेशन जिन्होंने किया है, परेश धनानी जी हम सबके बीच में है। मैं परेश जी से आग्रह करूंगा कि ये 4000 करोड़ का जो मूंगफली का घोटाला है, जो MSP की बात सरकार करने लगी है और जिस प्रकार से आने वाले समय में देश में क्या होने जाने वाला है, इसका ये ट्रेलर के रूप में हम देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी बातें तो ये करेंगे लेकिन बाद में ये मूंगफली की जगह पर किस प्रकार से मिट्टी आने वाले समय में मिलेगी, गोदामों में मिलेगी, इस प्रकार का ये मामला है। मैं परेश जी जो पिछले कई महीनों से इसके पीछे पड़े थे उनसे आग्रह करूंगा कि आप सबसे वो ये मूंगफली घोटाले की बात रखें। परेश धनानी जी, धन्यवाद। आप सभी वरिष्ठ पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत है। जैसे हमारे गुजरात के संगठन प्रभारी माननीय सांसद राजीव सातव जी ने बताया, चौकीदार बनकर देश में शासन चलाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी के गृह राज्य में चुनावी रोटी पकाने के लिए 24 सितंबर 2017 को 900 रुपया पर 20 kg MSP के दर पे मूंगफली खरीदने की जाहरात की गई। 24 अक्टूबर 2017 को भारत सरकार की नोडल एजेंसी नाफेड ने राज्य सरकार के परामर्श में राज्य के 5 कोऑपरेटिव संस्थाएं गुजकोट, गुजकोमासोल, गुजप्रो, बनास डेरी और साबर डेरी को नोडल एजेंसी बनाया। इस 5ों नोडल एजेंसी ने मिलकर 7,62,000 मेट्रिक टन मूंगफली का MSP पे प्रोक्योरमेंट किया। सवाल ये है कि ये 5ों एजेंसी में 80% 5.5 लाख टन मूंगफली का प्रोक्योरमेंट गुजकोट ने किया, जो कि गुजरात सरकार की सिस्टर कंसर्न सोसाइटीज है, जिनका राज्य स्तरीय स्टाफ महकम MD से लेके प्यून तक सिर्फ 6 लोग
उन्होंने 5.5 लाख टन मूंगफली खरीदने का किसके इशारे ऑर्डर दिया गया, ये गुजरात की जनता में सवाल है। जबकि बड़ा महकम अनुभवी स्टाफ गुजको मासूल के पास था, क्या ग्रीवेंसेस थे जो उनके पास सिर्फ 1,17,000 मेट्रिक टन खरीदी का ऑर्डर हुआ और बाकी 3 संस्थाओं ने 5% टेंटेटिव 85,000 मेट्रिक टन प्रोक्योरमेंट किया है। तो जिनके पास स्टाफ नहीं था, अनुभव नहीं था, उनको 5.5 लाख टन मूंगफली राज्य सरकार में बैठे कुछ बड़े लोगों के इशारे दबाव बनाकर नाफेड ने उसको बड़ा हिस्सा दिया, जबकि जो सक्षम संस्थाएं थी उनको वो कम हिस्सा उनके भाग में प्रोक्योरमेंट का आया। सवाल यहीं से शुरू होता है, ये पांचों संस्थाओं ने अपने साथ जुड़ी हुई जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, करीबन 169 सोसाइटियों के थ्रू पूरे गुजरात के अंदर प्रोक्योरमेंट खरीद केंद्र शुरू किए, 400 से अधिक खरीद केंद्रों पे ये मूंगफली की खरीदी 24 अक्टूबर 2017 से शुरू हुई। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी, जो स्टेट नोडल एजेंसी थी, उन्होंने जिन कोऑपरेटिव सोसाइटी को नोडल एजेंसी के तौर पे मूंगफली खरीद का सेंटर दिया था, उसमें से कई संस्थाएं सूचित मंडलियां थी, मतलब वो रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी नहीं थी, कहीं सोसाइटीज वो लिक्विडेशन में, फड़चे में गई हुई संस्थाएं थी। और कल जो जानकारी में आया है कि गुजरात भाजपा के संगठन महासचिव, जो कि आरएसएस के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके गृहनगर लखतर में 11 लोगों की कमेटी कागज पे बनाकर उनको खरीद केंद्र की इजाजत भी इस प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया में दी गई। जो मूंगफली खरीदी हो रही थी उसमें किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया, उसमें भाजपा और कांग्रेस का विभाजन किया, अपने समर्थक लोगों के पास भी पर 20 kg 100 रुपया कमीशन लेके MSP के भाव पे खरीदी शुरू हुई। वो कम गुणवत्ता का, मतलब जो नियत धोरण थे उसका उल्लंघन करते हुए मूंगफली की खरीदी शुरू हुई थी, वो मूंगफली भी गोदामों तक नहीं पहुंची। गुजरात में 279 गोदामों में ये खरीदी हुई, प्रोक्योरमेंट से खरीदी गई मूंगफली रखी गई थी। वो मूंगफली भारतीय जनता पार्टी की समर्थकों की मिलों में उसको पीला गया, तेल निकाल के कहीं कहाँ बेचा गया वो सवाल है, क्योंकि गोदाउन में जहाँ स्टोरेज किया गया था वहाँ मूंगफली की जगह आज मिट्टी, पत्थर और कंकर मीडिया के मित्रों के सामने, पूरी गुजरात की जनता के समक्ष वो सच बाहर निकला है। जो गोदाउन में स्टोरेज किया गया है, गुजरात वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन, गुजकोट, ये दो संस्थाओं ने खानगी गोदाउनों को हायर किया, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को गोदाउन के लिए उन्होंने रेंट पे लिया, और वो भी उनके मूल मालिक की जगह भाजपा के बिचौलियों को बीच में रख के, जिन्होंने सबलेट में गोदाउन लिए थे उनको ऊंचा दर दे के उस गोदाउनों को रखकर उसमें मूंगफली की जगह मिट्टी, पत्थर और कंकर का स्टोरेज कर दिया गया है। हमने इन पूरी 4,000 करोड़ का मूंगफली कांड, उसमें अक्टूबर 2025 को किसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के 5 लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री श्री, हमारे जूनागढ़ के कलेक्टर को लिखित में कंप्लेन की थी, जूनागढ़ के हमारे सभी विपक्ष के विधायकों ने मिलकर आवेदन पत्र दिया था, एज ए CLP हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री को, कृषि मंत्री श्री को, माननीय राज्यपाल गवर्नर साहब को, और बजट सेशन में 4 बार पूरे विपक्ष ने आक्रामक रूप से ये 4,000 करोड़ के मूंगफली कांड में जो घोटाला हुआ है उसको सत्य उजागर करने के लिए न्यायिक जांच की मांग की, लेकिन आज तक सरकार उस कागज का जवाब सुधा नहीं दे पाई है। हम सवाल उठाते गए
और सरकार जो गोडाउनों में मगफली की जगह मिट्टी, पत्थर और कंकर थे, उस गोडाउनों को उनकी मीठी नज़र तरे आग लगाई गई। गांधीधाम में गोडाउन जला, जामनगर के हापा में गोडाउन जला, राजकोट के सापर में गोडाउन जला, गोंडल में गोडाउन जला और मुख्यमंत्री के गृहनगर राजकोट के मार्केटिंग यार्ड के अंदर, जहां सुरक्षा का प्रावधान है, जहां सीसीटीवी सर्वेलेंस के अंदर पूरा मार्केट यार्ड है, वहां पे 25 लाख मूंगफली भरने की खाली बेगों को किसके इशारे जलाया गया, उसका सच आज तक नहीं आया। बार बार सवाल उठाने के बावजूद सरकार के इशारे, इस पूरे 280 गोदाउन में कहीं सुरक्षा का प्रबंध नहीं हुआ, कहीं सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए, 5 गोदाउन जल गए। और जब शंका की सुई सरकार के सामने आई तो ये गोदाउनों के अंदर मूंगफली की जगह मिट्टी भरी थी, उसको, वो जो सबूत थे उसको नाबूद करने के लिए व्यापारियों को बुलाया गया, डराया धमकाया गया और 1350 रुपया प्रति 20 केजी सरकार को जो मूंगफली खरीदी में पड़ी थी, उस मूंगफली को पानी के दाम 680 रुपये से 740 रुपया पर 20 केजी के हिसाब से दबाव बना के, डरा धमका के बेच दिया गया। आज तक जो जानकारी में है, 10 लाख मेट्रिक टन में से करीबन 4.5 लाख मेट्रिक टन मूंगफली के गोदाउन में जो मिट्टी, पत्थर और कंकर भरे थे, वो कम दाम में व्यापारियों को बेच दिया गया था। और वो डिलीवरी लेने जब व्यापारी गए तो उन्होंने ही जो वीडियो क्लिप उतारी थी, वहीं से पेढ़ला के गोदाउन में 35 किलो की बैग में 20 किलो मिट्टी, पत्थर और कंकर का सच गुजरात की जनता के समक्ष आया। सवाल ये है कि ये गोदाउन जले, आज तक सिर्फ गोंडल के एक गोडाउन में पुलिस फरियाद हुई है, बाकी 5 जगह पे गोडाउन जलने के बाद विपक्ष ने लिखित, मौखिक और विधानसभा में गुजरात की गलियों में 9, 10, 11 जून को हमने एजिटेशन किया, उनके बावजूद आज तक पुलिस फरियाद क्यों नहीं दर्ज हुई? 6-6 महीने हो गए, FSL का फॉरेंसिक रिपोर्ट आज तक क्यों नहीं आया? डिपार्टमेंट इंक्वायरी हुई थी, उसका अहवाल आज तक गुजरात की जनता के समक्ष क्यों नहीं आया? सरकार ने मूंगफली कांड का सच छुपाने के लिए अपनी ही पुलिस को पपेट बना के CID क्राइम को जांच की जिम्मेदारी दी थी, आज तक एक भी गुनहगार को न्याय के कठेरे में क्यों खड़ा नहीं रखा गया, क्यों जेल के सलाखों के पीछे नहीं धकेला गया? जबकि सच है, हम ने एजिटेशन शुरू किया, 3 तारीख से आज 7वां दिन है, सुबह 9:30 बजे से 5 बजे तक हमने प्रतीक उपवास धरना, जहाँ जहाँ गोडाउन जले थे, पेढ़ला के अंदर हमने एजिटेशन किया, गोंडल के अंदर किया, सापर के अंदर किया, राजकोट के अंदर किया, गांधीनगर के अंदर किया और आज भी सुबह 9:30 बजे से 5 बजे तक हमारा ये प्रतीक उपवास धरना शुरू है। क्यों हमें दिल्ली के दरबार में आप सब के बीच आना पड़ा है? क्योंकि गुजरात में सच मर रहा है। सच्चाई बाहर आने के बावजूद सरकार सत्ता बल से, धन बल से इस 4,000 करोड़ के मूंगफली कांड को दबाना चाहती है और इस मूंगफली कांड का कहीं न कहीं तार वो मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ जुड़े हैं। राम राज्य गोडाउन में स्थानीय लोगों ने बताया कि गोडाउन जलने से ठीक 8-10 दिन पहले रात के अंधेरे में कई ट्रक की लाइनें, जो मूंगफली की छाल, माटी, पत्थर और कंकर की बैग भर के उस गोडाउन में डंप कर रही थी और वहां से मूंगफली जो पड़ी भी थी उसको वहां से उठा के ले जा रही थी, तो वो ये मूंगफली कहाँ पर गई, वो भी जाँच के दायरे में आना चाहिए। राजकोट में जो गोडाउन के अंदर 25 लाख खाली बैगों को जलाया गया, आज तक कंप्लेन नहीं हुई है। मुख्यमंत्री का गृहनगर था, सीसीटीवी कैमरा थे, सुरक्षा का प्रावधान था, यार्ड था, तो लोगों का आवाजाही भी वहां पर था, आज तक फरियाद क्यों दर्ज नहीं हुई? जो लोगों से हमें बातें हमारे पास आ रही है कि उस राजकोट के गोडाउन में जो 25 लाख बारदान खरीदे गए थे, वो किस एजेंसी ने खरीदे थे,
किसके पास से खरीदे थे, किस दाम में खरीदे थे, और वो खाली बारदान 25 लाख बारदान जो जानकारी में है, बड़ौदा की एक कंपनी को बिचौलिया बना के कलकत्ता स्थित किसी बैग बनाने वाली कंपनी ने ये डिलीवरी की थी, इस ऑर्डर को डिलीवर्ड किया था। सवाल ये है कि ये 25 लाख बैग कि वहाँ पे हकीकत में डिलीवरी हुई थी या नहीं हुई थी, अगर हुई थी तो वो गुणवत्ता के हिसाब के थे के या नहीं। लोग कह रहे हैं कि एक बड़ौदा की कंपनी को बिचौलिया बना के कलकत्ता की जिस कंपनी ने ऊंचे दामों में 25 लाख बारदान सप्लाई किया था, उनके कहीं ना कहीं खून के रिश्ते मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ जुड़े हुए हैं। अगर नहीं है तो इसको न्यायिक जांच के दायरे में लाके सच को गुजरात और हिंदुस्तान की जनता के सामने सरकार को लाना चाहिए। हमारी बार बार जब कंप्लेन हुई, एक ही खरीद संस्था के ऊपर जिन्होंने गुजरात में सबसे पहले लिखित फरियाद की थी, उस 5 आरोपियों को जेल के कठेरे में जेल की सलाखों के पीछे धकेला गया। 80-82 साल के जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो डायरेक्टर थे, 80-82 साल के बुजुर्ग को भी, अनपढ़ लोगों को भी जेल की सलाखों में डाला गया। जब राम राज्य गोडाउन जला, हमने सवाल उठाया, जहां बिजली का तार नहीं था, चारों तरफ से खुला गोडाउन था, वहां पे वेल्डिंग का बहाना बताकर जिनकी 4-7 पीढ़ी में वेल्डिंग मशीन या रोड नहीं देखा होगा, वैसे मजदूरों को जेल की सलाखों के पीछे धकेला गया। जब हमने अनशन शुरू किया, तो आपने एक सोसाइटी में अगर 27 लोगों को गुनहगार बनाया है, तो ऐसी 400 कोऑपरेटिव संस्थाएं जो कहीं ना कहीं 100% भाजपा या भाजपा के समर्थकों द्वारा चलाई जा रही है, उन लोगों को कब न्यायिक जांच के दायरे में लाया जाएगा, उन गुनहगारों को कब जेल में डाला जाएगा, वो सच आज बाहर नहीं निकल पा रहा है। और इसीलिए आज जब ये 4,000 करोड़ का मूंगफली कांड था, 1,350 की खरीदी, 750 की एवरेज पे अगर बेचा है, तो 45% खरीदी और बिक्री के बीच जो घाटा है, 4,000 करोड़ की खरीदी में 1,800 करोड़ रुपया तो वैसे ही घाटा सरकार को आया है, 2,200 करोड़ का माल जो रिकॉर्ड पे स्टॉक पे पड़ा है, वो भी मूंगफली है या मिट्टी, उसका सच उजागर करने के लिए हमने ये कोशिश जारी की थी। मीडिया के मित्रों ने उस गोदाउन में मिट्टी, पत्थर और कंकर का सच गुजरात की जनता के समक्ष रखा है, तो ये 4,000 करोड़ के मूंगफली कांड में मलाई कौन खा गया, ये सवाल गुजरात की जनता के समक्ष है। सरकार ने जिनको फरियादी बनाया था, आज उसी को मुख्य आरोपी के तौर पे सरकार ने गुजरात की जनता के समक्ष रखा है। गुजकोट के वो वेयरहाउसिंग मैनेजर की जिनको जिम्मेदारी गई थी, वो एक छोटी सी मंडली के चेयरमैन थे। गुजकोट के एमडी ने दिसंबर महीने में पूरे सौराष्ट्र के अंदर खानगी गोदाउनों को हायर करना, 8 कंडीशनों पे उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। आज वो मुख्य गुनहगार के तौर पे सरकार उनको वो सबके सामने रख रही है। तब मेरा सीधा सरकार से सवाल है, गोदाउन में अगर मिट्टी, कंकर और पत्थर पाए गए हैं, 4,000 करोड़ का बिना भय के भ्रष्टाचार का कौभांड वो खुल गया है, और ये जो मुख्य आरोपी है, उन्होंने किसी को कौभांड दबाने के लिए बात की थी, वो ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई है। उस ऑडियो क्लिप में माननीय मुख्यमंत्री श्री, 2 कैबिनेट मंत्री, 1 सांसद और 1 भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के साथ मोदी 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 के भी 2-3 बार नाम उछल के बाहर आ रहे हैं। गुजरात के मीडिया में ये ऑडियो क्लिप भी लोगों के बीच आई है। तो ये 4,000 करोड़ के कौपान में मूंगफली की मलाई केंद्र की मोदी सरकार खा गई है या राज्य की रूपानी सरकार, इस सच को उजागर करने के लिए उच्च न्यायपालिका के सिटिंग जज के नेतृत्व में इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सत्ता पक्ष, विपक्ष,
किसान प्रतिनिधि पर आप मीडिया के मित्रों की हाजिरी में हर गोदाउन के अंदर मिट्टी है या पत्थर, मूंगफली में मिट्टी मिलाई गई है या मिट्टी में मूंगफली, उस सच को उजागर करने के लिए आप सबके सहयोग की जरूरत है। और मैं प्रार्थना करता हूं कि गुजरात की जनता 8 महीने से कोशिश कर रही है, विपक्ष लड़ रहा है, सच बाहर आने के बावजूद सरकार उस न्यायिक जांच के दायरे में नहीं आ रही है, तो इस सच को हिंदुस्तान की जनता के सामने लाने के लिए आप सबको मेरी करव्रत प्रार्थना है। कोई सवाल? कोई सवाल? सवाल से संबंधित हो जी, इसका तरीका क्या होगा? पीआईएल करके आप जो है कोर्ट की निगरानी में हायर और सुप्रीम कोर्ट से मांगी रिलीफ इसका? सरकार, भारत सरकार की नोडल एजेंसी है नाफेड, वो पूरे हिंदुस्तान में प्रोक्यूरमेंट करती है। स्थानीय गवर्नमेंट के परामर्श में वहाँ की स्टेट लेवल की नोडल एजेंसी को काम दिया जाता है और राज्य सरकार के सीधे मार्गदर्शन और सूचनाओं के तले वो स्थानीय जो प्रोक्यूरमेंट नोडल एजेंसीज है वो अपना नेटवर्क बना के सरकार के नियत जो क्राइटेरियाज है, क्वालिटीज़ के जो पैरामीटर्स है, उस पर वो परचेज करती है, उसका उनको बैग में सीज करती है। लोडिंग अनलोडिंग का अलग कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रांसपोर्ट का अलग कॉन्ट्रैक्ट है, गोडाउन गुजको मासोल और गुजरात वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन की थ्रू खानगी हायर किए गए थे। जब गोडाउनों पे हमने सवाल उठाया तो गुजरात वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन की कचहरी भी जल गई है, सिर्फ 5 गोदाउन नहीं जले हैं, उस रिकॉर्ड को भी ख़त्म किया गया है। और 4,000 करोड़ का टोटल प्रोक्यूरमेंट हुआ, ये सरकार ने स्वीकार किया है। कौभांड हुआ, ये भी सरकार ने स्वीकार किया है। 27 लोगों को आंदोलन के बाद बीते 1 हफ्ते के अंदर जेल में डाला है, वो भी सच सामने आया है। अब 6 महीने से राज्य सरकार के कृषि मंत्री केंद्र की सरकार संस्था पे दोषारोपण कर रहे हैं। केंद्र की नोडल एजेंसी राज्य सरकार की खरीदी में अनियमितताओं को लेके जब खरीदी शुरू थी तब से वो सवाल उठा रहे हैं, तो वो गुजरात की जनता की आंख में धूल झोंकना चाहते हैं, इस षड्यंत्र को छुपाना चाहते हैं, भ्रष्टाचारियों को जो एविडेंस है, जो सबूत है, उसको नाश करने के लिए सरकार अपनी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। पुलिस को जांच देकर फरियाद तक सुधा 6 महीना हुआ नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं बड़े लोग इसमें शामिल है, ये सच सामने आया है। मछलियों को मार के जेल के कठेरे में रखकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से दूर नहीं भाग सकती। कई मगरमच्छ अभी भी जांच के दायरे में नहीं है, वो विधानसभा दल में हो सकते हैं, वो कैबिनेट के अंदर हो सकते हैं, कहीं मुख्यमंत्री खुद इस 4,000 के कौभांड में खुद जिम्मेदार तो नहीं है, इस बार बार सवाल का जवाब आज तक मुख्यमंत्री नहीं दे पाए। तो मेरी यही सरकार से पहले भी मांग थी और आज भी मांग है कि आप न्यायिक जांच सरकार दे, सत्ता पक्ष विपक्ष को साथ में रखे, किसान प्रतिनिधि और आप मीडिया के मित्रों की हाजिरी में जो भी गोदाम है उस गोदाम में मूंगफली भरी है या मिट्टी ककर, उसका सच गुजरात की जनता के सामने आए और जो जिम्मेदार है उस पर राजनीति से ऊपर उठ के सख्त से सख्त कार्यवाही। जी सरकार को आदेश कोटी दे सकती है ना सुप्रीम कोर्ट, आपकी रिक्वेस्ट करने पे, मीडिया के रिक्वेस्ट करने पे सरकार नहीं कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ही इसका आदेश दे सकता है और कोई तो दे नहीं सकता एडमिशन। हमने सरकार से कोशिश की थी, 8 दिन से हमारा अनशन जारी है और हमने इस बात को उजागर किया, सच आया और सरकार ने स्वीकार किया है। सरकार के कृषि मंत्री ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उच्च न्यायपालिका के जज के नेतृत्व में तपास दे सकते, अगर सरकार भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश करेगी तो हर उचित जो भी स्टेप हम ले सकते हैं हम आने वाले दिनों में लेंगे। इसमें जो आपने जो सवाल पूछा कि सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि आप अगर कह रहे हो कि हम जो भी गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आप ज़रूर कार्रवाई कीजिए, अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे तो जैसे आपने पीएल के बारे में सवाल पूछा वो रास्ते खुले हैं, कई सारे दूसरे 2-3 रास्ते खुले हैं जो आने वाले समय में हम निश्चित रूप से अपनाएंगे और गुजरात के जनता का पैसा, गुजरात के टैक्सपेयर का पैसा इस देश के
चौकीदार के सामने किस प्रकार से भागीदारी में जा रहा है, ये गुजरात में सामने आया है, राफेल के माध्यम से देश के सामने आया है, और ये गुजरात की जनता की लड़ाई। अगर सरकार ने इसके बारे में सिटिंग जज की अपॉइंटमेंट नहीं की तो PIL से लेकर CBI तक के सभी ऑप्शंस हम एक्सप्लोर आने वाले समय में करेंगे। पूरा लीगल रिकोर्स लेंगे। इसको तो अभी ये जो इशू है इसको आखिर तक लेकर जाएंगे। पिछले 8 महीने से हम इसको पकड़ के रखे हैं और गुजरात की जनता का पैसा इस प्रकार से हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जो जो हमारे पास माध्यम रहेंगे उसके माध्यम से उठाएंगे, और इसीलिए आपसे ये विनती करने के लिए हम आए हैं, क्योंकि गुजरात में तो ये इशू उठा है और पिछले 4-5 दिन से यही हेडलाइन है। आपके माध्यम से देश में भी ये जाए कि सही गुजरात के विकास का मॉडल कुछ है तो ये मूँगफली कांड है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी जो 27 लोगों को अरेस्ट किया गया उसमें से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के सभी डायरेक्टर्स को, उसमें से 5 लोग तो जो सबसे पहले सरकार के सामने इस कौभांड को एक्सपोज किया था उसके फरियादी भी हैं। 2 गुजकोट के ऑफिसर्स को अरेस्ट किया है, 2 गुजको नाफेड़ के अधिकारी को अरेस्ट किया है, और 5 बिचौलियों को भी उसमें अरेस्ट किया है। लेकिन ये 400 खरीद केंद्र थे, उसमें से सिर्फ एक सोसाइटी के खिलाफ कार्यवाही करके सरकार इस 4000 करोड़ के कौभांड पे पर्दा डालना चाहती है। हमारी ये बात है कि अगर एक सोसाइटी में गड़बड़ हुई, आपने स्वीकार किया और 27 लोग गुनहगार बने, तो 5 गोडाउन जल गए, उसमें कौन गुनहगार था? और 400 नोडल खरीद केंद्रों से भी इसी तरीके से कंप्लेन सामने आई, और बार बार हमने कहा है कि उस जहाँ पर भी गोडाउन में हाथ डाले मूंगफली की जगह मिट्टी पत्थर और कंकर पाए जा रहे, तो इसकी निष्पक्ष जाँच हो। इसीलिए हम बार बार सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरे कौभांड के तार वो मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ जुड़े हुए हैं, और वो सच जब बाहर निकलने आया तो भाजपा की सरकार, कल उनके डेप्यूटी CM ने केसरी चश्मा पहन के इस 4000 करोड़ के कौभांड में कांग्रेस पर दोषारोपण की शुरुआत की। नाफेड़ के चेयरमैन मिस्टर वागजी बोड़ा, ही इज़ ए कोऑपरेटिव लीडर, ही इज़ नॉट प्राइमरी मेंबर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, अब उनको कांग्रेसी बना के उस कांग्रेस पे 4000 करोड़ के कौभांड का आरोपनामा रच रहे। हमने पूछा कि आप बताइए, वो कांग्रेस के प्राइमरी मेंबर है, आप एविडेंस लाइए, वो ब्लॉक कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, प्रदेश कमेटी या ICC में कहीं कोई पद पे है, आप बताइए, हम कार्यवाही करेंगे। हम चाहते हैं कि भाजपा हो या कांग्रेस, MSP के नाम पे किसानों के मुंह जो लाभ पहुंचा था, उस लाभ को छीनने वाले जो भी गुनहगार हो उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग खुद गुनहगार है, और इसीलिए सच को छुपाने के लिए गोदामों में जो मिट्टी पत्थर और कंकर के सबूत थे वो 20 दिन में 4.5 लाख टन माल बेच दिया है, कम दाम में बेच दिया है, और आगे 20 दिन चलेगा तो पूरे गोदाम खाली हो जाएंगे। सच का सबूत है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए हमने रिक्वेस्ट की है कि सभी गोदामों को सील कर दिया जाए और न्यायिक जांच के दायरे में इस गोदामों में सब मिलके मिट्टी है या मगफली, उसका सच बाहर लाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।